दिल्ली में कोरोना के मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी एक उम्मीद बनकर आया है और कुछ लोग इस थेरेपी से ठीक भी हुए हैं, लेकिन मुंबई में इस थेरेपी का पहला प्रयोग किया गया और वह असफल रहा। दरअसल पहले तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी से एक मरीज को ठीक किया गया है, लेकिन उस मरीज की बुधवार को मौत हो गई। मरीज की उम्र 52 साल की थी और वो मुंबई के मशहूर लीलावती अस्पताल में भर्ती था। वैसे यहाँ प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग और भी मरीजों पर जारी है।